हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 90s के बॉलीवुड में कई बेहतरीन हास्य कलाकार हिंदी सिनेमा में नजर आया करते थे। उनमें जो सबसे मजेदार किरदार करते दिखते वह टीकू तलसानिया थे, ऐसा राइटर जो अक्सर पुलिस वाले के रोल में नजर आता, मगर कॉमिक टाइमिंग ऐसी कि डायलॉग मुंह से निकलते ही सिनेमाघरों में दर्शकों की हंसी छूट जाया करती। मगर क्या आपको पता है कभी हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाले टीकू के साथ अचानक क्या हुआ? इस समय यह बेमिसाल हास्य कलाकार किस दशा में है, यह जानकर आप चौंकने वाले हैं। चलिए हम आपको एक साधारण लड़के टीकू के हिंदी सिनेमा का कॉमेडी एक्टर बनने से लेकर जो बॉलीवुड वालों ने उनके साथ किया वह बताते हैं। टीकू तलसानिया 7 जून 1954 के दिन बंबई में ही पैदा हुए थे। वैसे कभी आपने उनके कुछ अजीब से नाम पर गौर किया? ये नाम तो शायद ही आपने कभी सुना होगा। फिर इनका ये नाम कैसे पड़ा, हम ये राज बताते हैं। हुआ ये कि इनके दादाजी के पास एक जर्मनी का पेन हुआ करता था, टिक टिक वाला। जर्मनी के पेन को दादाजी हमेशा अपने पास रखा करते थे। उस पेन का नाम असल में टीकू था। उन्हीं दिनों पोता पैदा हुआ तो दादाजी उसको भी प्यार से टीकू ही पुकारने लग गए। घर वालों ने भी नाम बदलने की कोशिश नहीं की और स्कूल में भी टीकू ही लिखवा दिया। बस जर्मनी के पेन के नाम पर इनका नाम टीकू पड़ गया। हालांकि बाद में टीकू को अपना नाम सुनकर थोड़ी झिझक होती तो वो इसे बदलने की कोशिश करने लगे, मगर महाराष्ट्र में नाम बदलने के इतने कड़े नियम थे जिनको सुनकर इन्होंने नाम बदलने का विचार ही मन से निकाल दिया और टीकू ही हो गए। अब ये टीकू फिल्मों में कैसे पहुंच गए, ये मजेदार किस्सा सुनाते हैं। असल में बचपन से ही इनको एक्टिंग का शौक हुआ करता था। स्कूल कॉलेज के जमाने से ही थिएटर करने लगे थे। जय हिंद कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई की और गुजराती और हिंदी थिएटर में नाटकों में एक्टिंग करने लगे। कई बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड भी जीते तो इनके अभिनय की खुशबू फैलने लगी। फिर एक दिन किस्मत रंग ले आई। 80 के दौर में एक बड़ा मशहूर नाटक आया करता था, ये जो है जिंदगी, शफी इनामदार और स्वरूप संपत वाला। टीकू के अभिनय पर दूरदर्शन वालों की नजर पड़ी तो उनको भी बुलावा आ गया। नाटक पहले से ही घर घर छा चुका था। टीकू ने आकर 4 चांद लगा दिए। बस इसी नाटक से पहली बार टीकू छोटे पर्दे पर पहचान बनाने में कामयाब हो पाए थे। मगर हिंदी सिनेमा में आने का किस्सा और भी रोचक है। 1985 के आसपास की बात है। उस दौर के एक मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे रविकांत न गायक। उन्होंने एक बार टीकू को मिलने के लिए बुलाया। वो पहुंचे तो रविकांत बोले, मैं एक फिल्म पर काम कर रहा हूँ, उसमें मेन विलेन का किरदार है। करोगे? टीकू ने पूछा। सर, मैं विलेन जैसा आपको लगता हूँ क्या? फिर आपने ये रोल मुझे क्यों ऑफर कर दिया? इस पर रविकांत ने उनको तेलुगु फिल्म की एक कैसेट दी और बोले, इसको देख लेना। टीकू ने फिल्म देखी तो उसका मेन विलेन हूबहू उनके जैसा ही लगता था। इसी इत्तफाक ने उनको करियर की पहली फिल्म दिलवा दी। वो थी 1996 में आई गोविंदा की ड्यूटी, जिसमें टीकू ने सेठ धर्मदास का निगेटिव किरदार किया था। खैर, फिल्म तो चली नहीं और टीकू फिर हास्य कलाकार वाले रोल करने लग गए। कॉमेडी रोल्स ने ही उनको 90 के दौर का टॉप कॉमेडियन बना दिया। दिल है कि मानता नहीं कभी, हाँ कभी ना, उमर बचपन की दिल, बचपन का बोल, राधा बोल, अंदाज अपना अपना, मिस्टर बेचारा, वक्त हमारा है, इश्क, पार्टनर से लेकर देवदास जैसी कितनी ही फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों को खूब गुदगुदाया। अक्सर इंस्पेक्टर बनकर सामने आते और अपनी बच्चों वाली हंसी से पूरी फिल्म अपने नाम कर जाते। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है इनके साथ क्या हुआ? बॉलीवुड वालों ने इस महान कलाकार के साथ क्या किया है, चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, अब ये कलाकार आपको नजर नहीं आता होगा। आप सोचते होंगे कि वो बीमार हो गए हैं या एक्टिंग छोड़ चुके हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इनको अब काम ही नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनसे मुंह मोड़ चुके हैं। इन दिनों इतना सीनियर एक्टर काम के लिए दर दर भटक रहा है। वो ऑडिशन देते रहते हैं ताकि कुछ काम मिल सके, लेकिन उनको कोई रोल ही नहीं दिया जा रहा है। उनको बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। टीकू ने रिटायरमेंट नहीं लिया बल्कि उनको बेरोजगार कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है खुद उनको भी नहीं पता। एक वक्त में बैक टू बैक फिल्मों के राजा की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी छोटा मोटा रोल उनके पास आ जाता है। तो टीकू मना नहीं करते हैं, इसके बाद भी उनके पास काम ही नहीं है। वो मुंबई में अपनी पत्नी दीप्ति और 2 बच्चों रोहन और शिखा के साथ रहते हैं। टीकू दलसानिया इन दिनों बहुत चिंता में हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो अपनी जिंदगी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे मुंबई से शहर में अपने परिवार के साथ सरवाइव कर पाएंगे। दोस्तों, आपको टीकू तलसानिया की अदाकारी याद है या भूल गए? आपको इनकी कॉमेडी कैसी लगा करती थी? इनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो
तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।